यदि आपने साल 2022 में इंटर पास किया है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। हम आपको बता दें कि जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने 2022 में इंटर पास किया है उन सभी को इस बार जो है बिहार सरकार एनएसपी के माध्यम से उनको 25,000 सहयोग राशि बोले या फिर 25,000 जो है प्रोत्साहन राशि देने के मूड में, ठीक है। तो ऐसा जो है ये एनएसपी का कटअप एक जारी किया गया है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। आपको हम बता दें कि एनएसपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ठीक है। तो एनएसपी के माध्यम से जो है इस बार जो है बिहार सरकार जो है आप लोगों को जो है 25,000 राशि देने वाली है। तो किस तरीके से आपको अपना 25,000 राशि के लिए जो है अप्लाई करना है वो सारी प्रोसेस जो है आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आप उस अपना जो है एनएसपी कटअप जो लिस्ट है उसमें आप अपना नाम देख पाएं, कहां से आपको अपना नाम उसमें जो ऐड है या नहीं वो सारी चीज़ें आपको देखना है और किस तरीके से आपको आवेदन करना है वो सारा प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के थ्रू मिलता रहे। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इस एनएसपी जो कटअप लिस्ट है ये बिहार बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जारी किया गया, कोई फेक अपडेट नहीं है। ये जो है बिहार बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उस ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट को आपको जो है ओपन कर लेना है। तो किस तरीके से आपको ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है ये भी हम बता देते हैं। आपको अपना क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, उसमें आपको सर्च करना है बिहार बोर्ड ऑनलाइन, आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ जाए। पहले जो जारी किया गया एनएसपी का जो कटअप लिस्ट जारी किया गया उसमें सबसे पहले आपको अपना नाम देख लेना है कि उसमें जो आपका उस कटअप के अंदर में आपका जो मार्क्स जो है उसके अंदर में आपका आता है या नहीं आता है। तो जो कटअप है वो कटअप के बारे में भी हम आपको बताएंगे, उस पीडीएफ में सारी चीजें जो है बताई गई हैं, जो कि आर्टिकल जो जारी किया गया है बिहार बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा बोले या फिर बिहार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बोले या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोले, क्योंकि एनएसपी पोर्टल जो होता है यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पारित करती है। तो आपको उस कटअप लिस्ट को देखने के लिए आपको बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। आपको स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ करना है, जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहां पर आपको जो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सर्कुलर्स है और एक प्रेस रिलीज है, इसी में आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको सर्कुलर्स में देखना है, आपको हल्का सा इसको स्क्रॉल डाउन इस तरीके से आपको नीचे करना है, ठीक है। जैसे आप इसको हल्का सा स्क्रॉल डाउन नीचे की तरफ करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 25 से 2022 को जो एक एनएसपी का जो कटअप लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए जारी किया गया। जितने भी स्टूडेंट जो कि 2022 में पास किए थे इंटर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत जो एनएसपी लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो आपको सिंपल सा जो इस पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो है डाउनलोड होने के लिए जो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर कंफर्म कर देना है डाउनलोड के लिए, यहाँ पर आपको कंफर्मेशन के लिए जो मांग रहा है तो यहाँ पर आपको डाउनलोड पर टैप करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पर टैप कीजिएगा तो ये जो है एनएसपी का जो कटअप लिस्ट है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हो रहा है। 25 MB का होगा तो मेरे में थोड़ा सा ये पहले से डाउनलोड है, मैं इसको रोक लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये ऑलरेडी पहले से ही डाउनलोडेड है तो मैं उस पीडीएफ को खोल लेता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले में जो ऊपर में देख सकते हैं कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के तहत जो जारी किया गया वो सारी चीज़ें ऊपर में जो है आपको मेंशन कर दी गई हैं। सबसे पहले आपको हम कट ऑफ के बारे में बता देते हैं कि इसमें जो है कट ऑफ कितना होगा। यदि आपका मार्क्स इसके नीचे होगा तो आपका नाम इसमें एडेड होगा, किस तरीके से आपका नाम चेक करना वो भी हम आपको हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यदि आप जनरल से होंगे तो आपका, यदि आप साइंस स्ट्रीम से होंगे और आप यदि आप लड़का हैं तो आपको कम से कम 375 मार्क्स होना चाहिए। यदि आप आर्ट्स हैं तो 372 और कॉमर्स से हैं तो आपको कम से कम 378। यदि आप लड़का हैं तो इसी तरीके से जो है सारी चीजें यहां पर इंक्लूड कर दी गई हैं, सेपरेट कास्ट वाइज जो यहां पर मेंशन कर दिया गया है। तो इसके यदि आप नीचे में आते हैं तो आप इसमें ध्यानपूर्वक जो आप अपना इसमें आप सर्च कर सकते हैं। यदि आपका जो है इसके नीचे में नहीं है, इस कटअप लिस्ट के यदि आप अंदर में यदि आप नहीं आ रहे हैं तो आप इसमें अपना नाम मेंशन नहीं देखेंगे, क्योंकि इसमें आपका नाम एडेड नहीं होगा। यदि आप इसमें जो है इस मार्क्स के यदि आप इतना मार्क्स नहीं लाए होइएगा तो आपका जो है नहीं होगा, क्योंकि इससे ऊपर वालों का दिखाएगा, इससे नीचे वालों का नहीं दिखाएगा। तो चलिए इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है पीडीएफ ओपन हो जा रहा है, ठीक है। इसमें लगभग 1239 पेजेज हैं, देख सकते हैं इसमें कि 1239 पेजेज इसमें जो है लगा दिए गए। तो चलिए हम एक लड़का का जो आपको हम सर्च करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से जो इसमें सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको सिंपल सा जो है इसमें सर्च करने के लिए मिल जाता है।
आपको इसे ड्राइव से ओपन करना है। यदि आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सर्च करने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यदि आप इसे ड्राइव से ओपन कीजिएगा तो आपको सर्च करने के लिए इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा, आपको आसानी से जो आप उस पर सर्च कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो 1239 पेजेज यहाँ पर लगा दी गई है, ठीक है। तो आपको हम किसी भी स्टूडेंट का जो आपको हम सर्च करके दिखाते हैं किस तरीके से आपको सर्च करना है, वो सारी प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं। तो आपको सर्च करने के लिए यहाँ पर सर्च का टैब है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। आपको इसमें अपना रोल कोड और रोल नंबर कुछ इस तरीके से आपको फिलअप करना है, बीच में डैश लगा करके, इस तरीके से आपको बीच में डैश लगा करके फिलअप करके आपको इस तरीके से सर्च कर देना है। सर्च होने में थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है, अगर आपका नाम नीचे होगा तो देख सकते हैं यहाँ पर जो अंडरलाइन आ चुका है, ठीक है, रेड कलर से जो यहाँ पर अंडरलाइन आपको दिख रहा होगा, इसमें इसी में जो आपका नाम होगा, जिसको जूम करके आप अपना नाम इसमें देख सकते हैं। देख सकते हैं सत्यम कुमार सिंह के नाम से जो ये आ चुका है, विजय कुमार सिंह इसके पिताजी का नाम है, किस कैटेगरी से आता है और इसने कितना मार्क्स लाया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर परसेंटेज के साथ आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो यदि आपका इसमें नाम यदि आपका एडेड है तो आप कंफर्म हो जाएं कि आपको जो है 25,000 राशि आपको मिलेगा। अभी इसका जो है ऑनलाइन करने का जो है पोर्टल अभी तैयार नहीं हुआ, जिस कारण से अभी ये जो ऑनलाइन नहीं हो रहा, जैसे ही ऑनलाइन होगा तो आपको हम एक अलग वीडियो ला देंगे जिसमें से किस तरीके से आपको आवेदन करना होगा वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। आवेदन का जो है पूरा फुल स्टेप बाय स्टेप आपको हम उस वीडियो में हम बता देंगे। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं मिलते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।